नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, चार फंदे का और दो लाइन का ये खूबसूरत पैटर्न है, जिसे आप लेडीज जैकेट में या कोटी में इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप जेंट्स हाफ स्वेटर में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। डिजाइन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 14 फंदे डाले हैं, चार 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 और दो फंदा एक्स्ट्रा एज स्टिच के दिए। तो इस तरह हम अपने डिजाइन को सेट करेंगे। ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। यानी हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है, लेकिन उसके पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है। उनको अपनी तरफ किया और अगला फंदा सीधा बुन दिया, जैसे हम जाली डालने के लिए करते हैं, वैसे ही सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम उनको अपनी तरफ कर देंगे। और लास्ट फंदा, इसे हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए ऐसे चार फंदे हम लेंगे तो ये जो हमने फंदा चढ़ाया था इसे गिरा देंगे। गिराया, तीन चार, तो चार फंदे हमने लिया। अब देखिए, पहले दूसरे को ऐसे हम उठाएंगे और इन दोनों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए, ये दो फंदे हमारे ऐसे आ गए हैं, हमने दो फंदों के अंदर से दो फंदे निकाल लिए हैं। अब इन चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदे लेंगे, एक और ये जो हमने चढ़ाया है इसे गिराते जाएंगे, दो तीन। इससे क्या होगा कि फंदे बड़े हो जाएंगे और इसे निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। देखिए ऐसे किया, फिर चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे, दो तीन चार। अब पहले दूसरे को ऐसे उठाएंगे और अगले दो के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। देखिए, ये हमने क्रॉस कर लिया। ऐसे हम करेंगे, फिर चारों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे और उल्टा बुनेंगे। लास्ट फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, इस तरह हमारा ये पैटर्न बनेगा। अब फिर हमें इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराना है। फिर से देख लीजिए, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा बुनने से पहले हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। हर फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन उसके पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा
पहला लाइन ही हम दोहराएंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब चार फंदे लेंगे और चढ़ाए हुए फंदे को ऐसे गिरा देंगे, दो तीन चार। अब पहले दूसरे के अंदर से लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते रहने से ये पैटर्न ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।